हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे लाजवाब मटन करी, वो भी बंगाली स्टाइल में। ये देखिए मटन करी जिसका कलर कितना अच्छा आया है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटन करी बनाना। सबसे पहले हमने मटन लिया है जिसे अच्छे से वॉश करके रख लिया है। को अच्छे से चॉप करके रख लेंगे। दो बड़े आलू छील लेंगे और हरी मिर्च एंड दो बड़े टमाटर को कट कर रख लेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म होने के बाद इसमें प्याज डालेंगे और खड़े मसाले ऐड कर देंगे। प्याज ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे और अब इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर चलाएंगे। इसे अच्छे से पकने देंगे। पकने के बाद इसमें चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें सभी ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। हमने लिया है उसे 6 से 7 सीटी लेकर कुकर में बॉईल कर लेंगे। मसालों में हमने हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर और लाल मिर्च लिया है और इसे अच्छे से पकने देंगे। पकने के बाद इसमें मटन को और आलू को डाल देंगे। मटन और आलू को इस मसाले के साथ 10 मिनट तक भूनेंगे और फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे। बॉईल होने के बाद इसे ढककर पकाएंगे जिसमें 10 से 20 मिनट का समय लगता है। पकने के बाद गैस बंद कर देंगे और ऊपर से गरम मसाला डाल देंगे। तो देखिए तैयार है हमारा मटन करी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।